हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स इंग्लिश चैप्टर थर्ड, तारोस रिवॉर्ड। ठीक है, ये एक जापानी स्टोरी है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अ यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। एक लड़का था, वुड कटर है, जो उसका नाम था तारो। वो अपने मम्मी और पापा के साथ एक हिल साइड पे रहता था। ठीक है, ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरा दिन वो उस जंगल में लकड़ियाँ काटता रहता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। जबकि वो बहुत मेहनत करता था, बट बहुत कम कमाता था। दिस मेड हिम सैड, फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। ये इस बात से वो बहुत दुखी होता था, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था, और ये भी सोचता था कि हाँ, मतलब उनको जो भी ज़रूरत है या बेसिक नीड्स है, जो कुछ भी उनको चाहिए, वो सब कुछ उनको देना चाहता था। वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो। एक शाम को जब तारो अपने पेरेंट्स के साथ अपने हट में, वही छोटा सा घर या झुग्गी, मतलब इस टाइप से जो बांस बांस से बने हुए हैं, एक उस हट के एक कोने में बैठे हुए थे वो तीन लोग, तो अचानक से एक हवा चलती है, ठंडी हवा। इट विजल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। अब उसकी टूटी फूटी छत या फिर हट के किसी कोने में, मतलब जहाँ पे टूटा हुआ था, वहाँ से एक ठंडी हवा आती है, और जिससे सबको ठंड लगती है। विसल थ्रू द क्रैक्स, मतलब कहीं से, मतलब किसी जगह जहाँ ठंड में भी आपने नोटिस किया होगा, कहीं से अगर घर के अंदर हवा आती है छोटी से छेद से, तो वो एक आवाज़ आती है, तो इसीलिए विसल कहा गया है। सडनली तारोस फादर सेड, अचानक से तारो के पापा ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक, इट वुड वर्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। तो अचानक से, मतलब जब ठंड लगी, उसके पापा ने कहा कि काश एक कप सेक मिलता, तो उससे मतलब मुझे गर्मी मिलती। तो सेक मतलब वही जैसे टी कॉफ़ी है, उस टाइप से उनके वहाँ कुछ है, मिलता है, तो जिसको सेक कहते हैं, तो वो पीना चाहते थे ठंड की वजह से। थर्ड पैरा है, दिस मेड तारो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अब ये बात सुनकर तारो बहुत दुखी हुआ कि वही जो सेक है वो बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगा मिलता था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ। उसने मन में सोचा, मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँगा। How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. कि मैं अपने, मतलब बेचारे पापा के लिए कैसे शेक अरेंज करूँ। तो उसने ठान लिया कि और ज़्यादा मेहनत करेगा वो। Next morning, अगली सुबह, तारो jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. तारो जल्दी से सुबह सुबह उठ गया बेड से, मतलब जैसे डेली वो उठता था उससे भी पहले उठ गया, और जंगल की तरफ चलने लगा। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड। वो तब तक लकड़ियाँ काटता गया जब तक सनराइज नहीं हुआ। एंड सून ही वॉज सो वर्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। फिर उसके बाद उसको इतनी गर्मी लगने लगी कि उसने अपना जैकेट निकाल दिया। His mouth was dry and his face was wet with sweat. अब उसको प्यास लगने लगी है। इसमें लिखा है his mouth was dry,
मतलब भाई उसका मुंह सूख जाता है, मतलब उसको पानी चाहिए, प्यास लगी है, और फिर पसीने से उसका पूरा फेस भीग जाता है। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, मेरे बेचारे गरीब पापा। अब गरीब मतलब उस सेंस में नहीं बोला गया, बेचारे के सेंस में बोला गया कि हाँ वो कुछ पीना चाहते थे बट मैं उसे नहीं दे पाया। इफ़ ओनली ही हैज़ एज वर्म एज आई, काश वो इतने गर्म हो पाते जितना कि मैं अभी हूँ। एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द सेक टू वर्म द ओल्ड मैंस बोन्स। अब ये सोचने के बाद वो और जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटने लगा, ये सोच कर कि हाँ वो एक्स्ट्रा मनी कमाएगा अपने पापा के लिए ताकि उनको सेक खरीद के दे सके। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, फिर अचानक से तारो ने लकड़ियाँ काटना बंद कर दिया। वट वॉज द साउंड ही हियर्ड, वो किस चीज़ की आवाज़ है जिसने अभी सुनी उसने। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या हो सकता है, ये शायद कहीं से पानी बह रहा है। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारो ने मतलब तारो को कभी याद ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा कि इसने कहीं पे देखा हो कि हाँ पानी बहता हुआ इस जंगल में। ही वॉज थर्स्टी, उसको प्यास भी लगी थी। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, पानी की आवाज़ सुन के वह और रह नहीं पाया, उसके हाथ से वो एक्स गिर गया और वो उस पानी की आवाज़ की तरफ भागने लगा। तारो सॉ अ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, तारो ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर झरना जो रॉक के मतलब पत्थरों के पीछे से बह रही थी। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वेटली, मतलब वो घुटनों पे बैठता है उस जगह जहाँ से पानी बह रहा था। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स, फिर उसने मतलब हाथों को जोड़कर थोड़ा पानी लिया और पिया उसने। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था, और वॉज इट सेक, और ये सेक था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने बार बार इसको टेस्ट किया, एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और हर बार उसने जब भी पिया तभी उसने महसूस किया कि ये सेक है बल्कि ठंडा पानी नहीं है। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम, मतलब उसने एक पिचर मतलब एक पॉट है जो मिट्टी के बने हुए हैं तो उसमें उसने वो भर लिया और जल्दी जल्दी घर चला गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, और वो जो मतलब उसके पापा थे वो बहुत खुश हुए, अचंभित हुए। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, एक घूंट लेने के बाद उनका कांपना या वो कांपना बंद कर दिए और थोड़ा थोड़ा डांस करने लगे वहीं पे। दैट आफ्टरनून, उसी दोपहर में, अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, एक नेबर मतलब एक पड़ोसी को रोका गया। तारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द सेक, तारो के पापा ने उनको सेक ऑफर किया एक कप। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडिली एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, तो जो लेडी थी उन्होंने पिया मतलब थोड़े लालच के साथ या जल्दी जल्दी उन्होंने पिया और फिर उन्होंने तारो के पापा को थैंक यू बोला। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, देन तारो उस वक्त उसके बाद तारो ने उनको वो मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी सुनाई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी, तो उस चीज़ के लिए उन सबको थैंक यू बोल के वो लेडी निकल गई। बाई नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, फिर वो जो औरत थी जो लेडी थी उन्होंने पूरे गांव में ये स्टोरी फैला दी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस,
तो उस शाम को बहुत सारे विजिटर्स आए वुड कटर के उस मतलब तारो के हाउस पे. ईच मैन हियर्ड द स्टोरी ऑफ वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक. हर व्यक्ति ने वो कहानी सुनी वाटरफॉल वाली और एक सिप करके लिया. इन लेस देन वन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी. एक घंटे के अंदर ही वो पिक्चर खाली हो गया. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. तो वो जो जिस टाइम पे जाता था मतलब उस दिन तो वो जल्दी गया था, बट उसके अगले दिन वो और जल्दी गया. ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल. फिर उसने उस दिन उससे भी बड़ा पिक्चर लेके वो गया और सबसे पहले उसने उस वाटरफॉल से सेक भरने का मतलब इंटेंशन से वो गया. व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो वहाँ पहुँचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर. जब वो वहाँ पहुँचा तो देखा उसके जितने भी नेबर्स थे सब वहीं पे थे. दे वर कैरिंग द पिचर्स जार्स बकेट्स एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक. वो मतलब वो पिचर जार बकेट बाल्टी वगैरह जो कुछ भी उनके पास था कंटेनर वो सब कुछ लेके गए थे उस मैजिक सेक को लेने के लिए. देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक. फिर एक विलेजर घुटनों पे झुका और अपना मुंह उस वाटरफॉल के नीचे रखा पीने के लिए. ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन एंड देन शाउटेड एंग्रीली. उसने बार बार मतलब दो चार बार उस दो चार घूंट उसने लिया और फिर चिल्लाने लगा गुस्से से, वाटर, नथिंग बट वाटर, पानी, ये तो कुछ भी नहीं है, बस पानी है. अदर ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर. दूसरों ने भी ट्राई किया, वहाँ कोई सेक नहीं था जबकि सिर्फ ठंडा पानी था. वी हैव बीन ट्रिक्ड शाउटेड द विलेजर्स. हमें बेवकूफ़ बनाया गया, विलेजर्स चीखने लगे. वेयर इज तारो, तारो कहाँ है. लेट्स ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल. उसको इसी वाटरफॉल में गिराते हैं. बट तारो हैड बीन वाइज एनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग. बट तारो मतलब वाइज एनफ, वो काफ़ी वाइज था तो स्लिप करके या फिर ढूंढते हुए उस रॉक के पीछे गया और देखा वहाँ क्या चल रहा था. ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड. उसको कहीं ढूंढा ही नहीं गया, मतलब वो कहीं मिला ही नहीं क्योंकि तारो ये सब देख के छुप गया था. मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन. मतलब वो बड़बड़ाने लगे और गुस्से से मतलब काफ़ी डिसअपॉइंट हुए और फिर वहाँ से वो एक के बाद एक चले गए. तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. तारो उस जगह से निकल आया जहाँ पे वो छुपा हुआ था. वॉज इट ट्रू, ही वॉन्डर, क्या ये सच था, उसने सोचा. वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या वो सेक मिलना वो बस एक सपना था. वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स. इट वॉज द सेम फाइन सेक. जब उसने थोड़ा अपने हाथ में लिया और पीने लगा वो बिल्कुल वही सेक ही था. टू द थॉटफुल सन द मैजिकल वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक. बस उस थॉटफुल जो सन है मतलब तारो है उसको तो उस मैजिकल वाटरफॉल ने सेक ही दिया. टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, बट बाकियों को उसने सिर्फ ठंडा पानी ही दिया. तो गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और न्यू वीडियोस ला सकें. नाउ लास्ट पैराग्राफ, द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पायर ऑफ जापान. तो उसकी जो तारो की कहानी है और वो मैजिकल वाटरफॉल वो जो जापान के राजा थे उस तक पहुंची वो स्टोरी. ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर. तो उसने उस यंग वुड कटर को बुलाया, मतलब उसके लिए किसी को भेजा. एंड रिवॉर्डेड हिम विद द 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड. और उसने 20 पीस गोल्ड रिवॉर्ड में मतलब अवार्ड में दिया, काइंड मतलब इतने दयालु और अच्छे होने के लिए. देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो. तो वहाँ पे जो सबसे सुंदर फाउंटेन था उसका नाम रखा तारो. दिस सेड द एम्परर वाज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स. और ये कहा गया है
उस राजा से, या उस राजा ने कहा कि सभी चिल्ड्रन को इनकरेज करना चाहिए कि हाँ वो अपने पेरेंट्स की हर एक बात माने। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो कि ताकि हम और न्यू वीडियोस ला सकें।